नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 14 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2079 मास चल रहा है चैत्र का। तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है वृद्धि और करण है कौलवर। व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो प्रदोष व्रत और महावीर जयंती का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा, कारोबार विस्तार की योजनाएं बनेंगी, लेकिन नए कार्यों की शुरुआत करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। ओम ग्रह पताये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने से आप प्रसन्न होंगे, आय में वृद्धि के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, कार्यक्षेत्र में योजना बना करके काम करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। ओम चक्रिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कामकाज अच्छा चलेगा, धन लाभ के योग भी बनेंगे, लेकिन छोटी छोटी परेशानियों का सामना आज आपको आपके कार्यक्षेत्र में पूरे दिन भर में करते रहना पड़ेगा। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट खाली पेट आप घर से मत निकलिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधा अच्छा चलेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल रहने से भाग्य वृद्धि के योग आपके लिए बनते हैं। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव को आपको अपने ऊपर हावी होने से बचाना होगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक गतिविधियां मध्यम रहेंगी और छोटी छोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधा मध्यम रहेगा और कार्यभार की अधिकता रहने से दिन भागदौड़ में व्यतीत होगा। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी और कार्य की सफलता के लिए पहले से कहीं ज़्यादा आपको भागदौड़, कड़ी मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य बिल्कुल भी आपको सुहाएगा नहीं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार विस्तार की योजनाएं बनाएंगे, कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग समर्थन आपको प्राप्त होगा समय पर, जिससे आपके कार्य पूरे हो पाएंगे। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सामान्य दिखाई देता है, कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और सहकर्मियों का सहयोग मिलने से आपको जो सफलता मिलनी चाहिए थी, आशानुरूप जितनी उम्मीद थी आपको काम में सफलता, आपको सहयोग वगैरह सबसे मिलेगा, सारे लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन फिर भी जितनी सक्सेस की उम्मीद रखे थे, जितना लाभ मिलने की उम्मीद थी, आज वो नहीं हो पाएगी, जिससे आपका थोड़ा सा मन आज दुखी रह सकता है। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संध्या काल में अध्ययन आपके लिए ठीक नहीं है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए शुभदायी रहेगा, व्यवसाय में लाभ और नौकरी में उन्नति के योग आपके लिए दिखते हैं। कारोबार विस्तार को लेकर के कुछ नवीन योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 चीज़ें जो घर के सामने हो तो आपको कलंक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी हैं वो ऐसी खास 5 चीज़ें जो आपके घर के ठीक सामने, घर से निकलते समय नहीं होनी चाहिए, आइए समझते हैं। वास्तुशास्त्र का यह मानना है कि न सिर्फ आपका घर ही वास्तु को प्रभावित करता है, बल्कि घर के आसपास की चीज़ें और उनकी ऊर्जा भी आपके घर को प्रभावित करती हैं और घर में रहने वाले लोगों के
जीवन को वो बहुत काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। इसलिए घर को वास्तु अनुकूल बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता, वास्तु की अनुकूलता से लाभ पाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार के सामने की चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें घर के सामने होने पर न सिर्फ परिवार के लोग अक्सर बीमार रहते हैं बल्कि गंभीर आर्थिक परेशानियों के साथ साथ बड़े लांछन आरोप कलंक तक की स्थिति सामने आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के सामने वृक्ष या खंभा होने से संतान को कष्ट होता है, ये गंभीर रूप से द्वारवेद कहा गया है हमारे शास्त्रों में। संतान का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता और उसके करियर में भी इस दोष के चलते बहुत विघ्न और बाधाएं आती हैं। दूसरा सुझाव है कि मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ा गड्ढा या कुआं होने पर मानसिक रोग और परेशानी हो सकती है। अक्सर आज के तारीख में देखा जाता है कि लोगों के मेन एंट्रेंस पर ही ड्रेनेज का बड़ा सा सेप्टिक टैंक होता है, तो वो अपने आप में बहुत जानलेवा होता है। ऐसा हमारे गुरुजी ने, जब हम वास्तु सीख रहे थे और वास्तु विजिट पे उनके साथ जाया करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बीमारी देता है, मानसिक रोग देता है और गंभीर एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह में भी ऐसे परिवार के लोगों में किसी न किसी की मृत्यु होने की संभावना बनती है। द्वार के सामने कीचड़ रहने से, हमेशा पानी जमाव रहने से, कीचड़ रहने से या नाली रहने से शोक की स्थिति रहती है। घर की ऊर्जा कभी शुभ नहीं रहेगी, हमेशा दुख का वातावरण परिवार में, शोक का वातावरण बना रहेगा। मुख्य द्वार के सामने आकर के अगर मार्ग समाप्त हो जाए, रोड ख़त्म हो जाए, जिसे टी जंक्शन कहते हैं, आके टी पॉइंट पे आपका घर है, एकदम एंड पर आकर के टक्कर पे आपका घर है, तो ये बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान जातक के जीवन में कराता है। और मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना या नाली होना आर्थिक मामलों में नुकसानदेह होने के साथ साथ ये गंभीर कलंक की स्थिति भी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997024131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।